हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का दिन है जब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास फिर से। आज का दिन है सही देख सकते हैं। पर ये कहती है हमारे फ्लैट में धूप नहीं आती, धूप इतनी आती है कि जब तक हम उठते थे तब तक एक्चुअली नहीं आते थे। बट लॉट्स ऑफ धूप। हम आ चुके गलत हॉस्पिटल में। रिश उधर गया, बिल्कुल मुझे यूटर्न लेके उनको उठाना पड़ेगा। फोन करती क्योंकि हॉस्पिटल तो वो है, हम कहाँ उतर गए। यार मैंने जब उतरी मैंने आपको बोला भी ना यही है क्या हॉस्पिटल, कोई वो नहीं हो। हॉस्पिटल ही है ये भी, पर ये दूसरा सेक्शन है हॉस्पिटल का। आराम से जा। आज तो भाई पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिली भाई। अभी बोल रहा है कि प्लास्टर निकलवा दो, उसके बाद चेक करते हैं। पर इतना भाई डॉक्टर, वो ऐसे डॉक्टर भी कहा थी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई उसकी, पढ़ रहा है अभी सीनियर। स्टाइल तगड़े एक्सट्रीम। वहां जाके निकालना, तू यहाँ आना। मैंने कहा मैं आप कर रहा हूँ, तू क्या। उसको डॉक्टर को चेक करा लिया और डॉक्टर ने बोला है कि अभी दवाइयाँ लिख के दी और गर्म पट्टी आपको बांध के रखनी है फॉर टाइम भी। लेट्स सी जम्मू जाएंगे या क्या करेंगे, नेवर नो, मे बी जा भी सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है कि हम जम्मू जाएंगे। यहाँ पे फ्री मिलती है दवाई तो उसी के लिए हम लाइन में लगे हैं। मैं लगी हूँ लाइन में क्योंकि लड़कों की लाइन तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लड़कियों की थोड़ी छोटी। वन इटर्निटी लेटर मेरा नंबर आ चुका है। एक भी मिली उनपे वो आ रही थी, वो अपनी छोटी छोटी नोटबुक दिखा रही थी और फिर उस पे सारा प्रोसीजर चल। जैसे हमारे पर्ची मिली है ना उनकी नोटबुक। एक आंटी लगी थी गुटखा खाने के लिए हमारे फ्लिपकार्ट। काम करते चलते गुड लक कैफे, वहाँ पे करते ब्रेकफास्ट क्योंकि बहुत ही गुड लक वाला दिन है। हम जा रहे हैं जम्मू। डिंग 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 क्या बोलो, पीछे बोलना बोलना। मैंने जाता कि दर्शकों को पता चलेगी तो कितनी पीक है। सो हम आ चुके हैं गुड लक कैफे। ये पुणे का वन ऑफ द बेस्ट ओल्डेस्ट, पता नहीं है नहीं है, पर सबसे ओल्ड सबसे पुराना गुड लक कैफे बहुत फेमस है। यहाँ पे हम खाएंगे ब्रेकफास्ट। सो हमने ऑर्डर किया था लाइम सोडा एंड व्हाट इज दिस, वन मस्का जैम, जैम भी है इसके अंदर। चीयर्स। प्लीज रिव्यूज दे दीजिए। गाड़ी में बटर लगाया और जाम। अच्छा टी है। मैं जब पहले पुणे आई थी मैंने इतना खाया ना यार, ऑब्सेस्ड हो गई थी क्योंकि हाइप थी बस, टेस्ट बड़ा था। नहीं मुझे टेस्ट अच्छा भी लगता है पर अब जब से शिफ्ट हुआ है तब से नहीं खा रही। तो बिन्नी और हमने डिसाइड किया कि हम थोड़े फोटोज भी डालेंगे इंस्टाग्राम में, तो पहला इसका पोस्ट देखना। प्रॉपर बनाना भी नहीं आ रहा। कर दी इतनी अच्छी गाड़ी के बैठ के इसमें। ओ भाई। सो बिल फटा हमारा 500 रुपया। Hours later. आदर्श हस्बैंड की तरह। हैं? कहाँ जा रहे हो? जा मेरे बीच मुझे ले जा। सो आप देख सकते हैं हम दोनों रेडी हो चुके हैं और अभी हम खा रहे हैं खाना क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। व्लॉग में बने रहो, पहले खाना खा के फिर निकलते फिर बात करते हैं आपसे। गाड़ी हमारी सेट है, गाड़ी को कीजिए बंद और हम निकल रहे हैं रत्नागिरी की तरफ। बेबी बोलो पेंसिल, बोलो पेंसिल, हम नहीं बोलेंगे। रत्नागिरी का प्लान कैंसल। सो गाइस इतना इधर अंधेरा इसलिए हम पहुंच चुके हैं प्रकृति की फ्लैट में। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मोटापा दिखा दीजिए, सफाई की है आप देख सकते हैं। ये प्यारा सा सनसेट देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सनसेट दिखता है इसके। यहाँ सनसेट की तो सही लग रहा है। नहीं स्क्रीन ऑर्डर कर, तेरे को तू चुप कर, क्या फायदा हमारे इधर आने का।
वहां से भी 307 किलोमीटर, यहां से भी 307। क्या बैग इसने ऐसे पैक किया जैसे ये पूरा लेके जाने वाली है। So, अभी हमने लिया है एक डिनर ब्रेक और अभी हम खाना वाना खाएंगे, 9 बज रहे हैं और हम रात को 2:30 बजे पहुंचेंगे रत्नागिरी, वहां पे रिलैक्स करेंगे और फिर कल हम आपको घुमाएंगे रत्नागिरी। ये वो पॉप सॉकेट बस कर बहुत ज्यादा है। करेला चिप्स है पागल। फाइनली डिनर आ चुका है, पनीर कर जाएंगे, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक। आए आप? हाँ, समझ नहीं आ रहा है वो टेस्ट कैसा लग रहा है। ऑलराइट, सो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इतनी मेहनत के बाद पास करने वाले हैं। जंगल और बीच में रोड और कोई बंदा नहीं, एक भी गाड़ी नहीं दिखी, बंदा ना बंदे याद, एक भी हमें गाड़ी नहीं दिखी। मैं तो बीच में सो भी गई थी। और रत्नागिरी अभी पहुंचने वाले हैं हम आधे घंटे में और हम पता नहीं क्या सोच के हम निकल चुके हैं की तरह बिना सोच के, बिना सोच के बादशाह बन चुके हैं। पीछे बैठा एक छोटा सा पिशाच। गाइज, इस व्लॉग को रोते रोते खत्म करते हैं। मैं बाहर निकली थी, अभी टाइम हो रहा है 3:40 और अभी ब्लॉग खत्म कर देंगे। वैसे होटल दिखा देते हैं आपको रत्नागिरी, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है लव रत्नागिरी। ये कुछ सुबह के 4 बजे का माहौल है। महाराष्ट्र मुंबई तो वो मुंबई होगा ना। सैलरी सैलरी कोई भी नहीं बता रहा। गाइस 4:15 हो रहे सुबह के और हमें वेयर आर यू गोइंग नहीं पता। ओनो कहाँ लिखा है? ओनो, हाँ ओनो लिखा है कहीं, ढूंढना। ठीक है, मेरे ऊपर लिखा टी-शर्ट के पीछे। हमें रूम मिल गया है क्योंकि जो भी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे कल हम घूमने वाले हैं रत्नागिरी सोया का सफर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय करते हुए।